देश की संसद में दो समिति का प्रावधान किया गया है, पहला स्थायी दूसरा अस्थायी समिति। स्थायी समिति पूरे समय काम करती और सरकार के वित्त और अन्य मामलों की निगरानी करती। अस्थायी समिति किसी विशेष मुद्दे पर बनाई जाती है जिस पर वह रिपोर्ट बनाकर सदन में पेश करती है। अस्थायी समिति के अंतर्गत ही संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC का गठन किया जाता है। JPC को साक्ष्य एकत्र करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए हैं। समिति के निर्देश को नकारना संसद का अवमानना माना जाता है। JPC बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार करती है। सिफारिश के बाद लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पास कराया जाता है। इसके बाद दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर JPC का गठन करता है। JPC में लोकसभा सांसदों की संख्या राज्यसभा सांसदों की संख्या से दुगनी। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें सदस्य होते हैं, इस कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। कब कब गठित हुई JPC? तो पहला बोफोर्स घोटाला 1987, हर्षद मेहता कांड 1992, केतन पारिक केस 2001, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स का मामला 2003, 2G स्पेक्ट्रम केस 2011, VVIP चापर घोटाला 2013।